हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम 360 में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आज के टॉपिक है फर्टिलाइजर्स और हाइड्रोकार्बन्स। और फ्रेंड्स, हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आपके जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में आपका सुटेबिलिटी बना रहे। और जो भी IRRB NTPC आ रहा है या लोअर PCS का आ रहा है या SSC लेवल का आ रहा है, तो उसमें फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। तो उस सारे फैक्ट्स को हम लोग जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे ताकि हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो फर्टिलाइजर्स पे हम लोग आते हैं, फर्टिलाइजर्स को देखते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या कहता है, फर्टिलाइजर्स देखिए पहले तो हमारा क्या है कि इससे NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले क्या बात है कि NPK यानी NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करना चाहिए। सेकंड क्या कहता है कि भाई और भी क्या फैक्चुअल्स फैक्चुअल्स हैं कि एक टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कितने फॉस्फोरस होते हैं, फॉस्फोरस की मात्रा क्या होती है एक टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, यानी 1000 किलो में लगभग 2 से 3 किलो क्या होता है फास्फोरस होता है। क्या होता है, 1000 किलो में लगभग 2 से 3 किलो आपका फास्फोरस होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल अगर हो गया है, अगर सॉइल एसिडिक हो गया है, तो कौन क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट रिस्पॉन्सिबल होगा अगर सॉइल एसिडिक हो चुका है तब। ठीक है, और यूरिया में, यूरिया यूरिया में अमोनियम सल्फेट क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक सॉइल के लिए। एसिडिक सॉइल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, अमोनियम सल्फेट, याद कर लीजिए। अमोनियम सल्फेट एसिडिक सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, 47% आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स, 47% आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होगी यूरिया में। ठीक है, तो इसे भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लिया है कि 47% नाइट्रोजन की मात्रा होगी यूरिया में। ठीक है, प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नाइट्रेट के फॉर्म में आपका पाते हैं। देखिए, प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को ऐसा नहीं है कि हवा में से तोड़ करके अपने उसमें रख लेता है, वो नहीं। वो क्या सॉइल से लेता है, सॉइल से किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रोजन को लेता है आपका नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, हवा में से ऐसे तोड़ के नहीं, अपने तोड़ के नहीं रख लिया है। ठीक है, क्या किया है, पहले सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में है, उसके बाद सॉइल से वो रूट्स के थ्रू नाइट्रेट के फॉर्म में अपने अंदर समावेहित करता है। ठीक है, जैसे हम लोग समझ लीजिए पानी है, तो पानी को हम लोग ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन हवा में से हाइड्रोजन सूंघ लिया और ऑक्सीजन सूंघ लिया और अंदर जाके वो क्या बन गया, पानी बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, हवा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग को पानी जब वो उस फॉर्म में लेना होता है। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स है, प्लांट्स पे आपको नाइट्रोजन हवा में से नहीं उठा लेगा, आपको नाइट्रेट नाइट्रेट जो नाइट्रेट के फॉर्म में ही रहेगा, तभी वो नाइट्रोजन ले पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। नीम कोटेड यूरिया हेल्प्स इन द स्लो डिजॉल्विंग ऑफ यूरिया इन द वाटर। देखिए, नीम कोटेड यूरिया जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि यूरिया को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नीम कोटेड कर देते हैं। नीम कोटेड होने से क्या होता है कि स्लो डिजॉल्व, ठीक है, पानी में जल्दी घुलेगा नहीं। अब पानी में नहीं घुलेगा तो फिर अच्छी बात है, इधर उधर बहेगा नहीं, प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नीम कोटेड यूरिया क्या करते हैं, नीम कोटेड यूरिया स्लो कर देता है पूरे प्रोसेस को, क्या कर दिया, स्लो कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कहते हैं DAP। DAP हैज़ 46% फॉस्फोरस एंड 18% नाइट्रोजन। ये याद कर लीजिए फ्रेंड, DAP में 46% फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉस्फोरस P2O5 के थ्रू इसको फॉस्फोरस मिलेगा, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो DAP हैज़ 46% फॉस्फोरस एंड 18% नाइट्रोजन। ठीक है, यूरिया सुपर फॉस्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूरिया सुपर फॉस्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये आपको याद करना होगा, यूरिया सुपर फॉस्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ठीक, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन किस में क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बोरान, ये सब इंपॉर्टेंट है प्लांट प्लांट के लिए, प्लांट, लेकिन ये करता क्या है प्लांट में, ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन आपका क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका साथ देता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कौन साथ देता है, नाइट्रोजन साथ देता है। फॉस्फोरस आपका किसमें साथ देता है, रूट को डेवलप करता है। फॉस्फोरस किसको कर रहा है, रूट को डेवलप कर देगा। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन लेता भी तो है, तो किस फॉर्म में लेता है ये भी याद करिए, नाइट्रेट के फॉर्म में। नाइट्रोजन क्या किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे बना दूँ तो नाइट्रोजन देखिए, ये समझ लीजिए प्लांट है। ठीक है, तो फास्फोरस क्या कर रहा है, फास्फोरस आपका रूट डेवलप करा रहा है, यहाँ से इसका रूट निकल रहा है, यहाँ पे फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब
नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट है। यहाँ यहाँ पे किसके रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन। ठीक है, पोटेशियम देखिए, पोटेशियम क्या कर रहा है, पोटेशियम आपका कर रहा है स्टोमेटा ओपनिंग रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका लीव्स है, लीव्स में आपका स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा से क्या होता है कि O2 CO2 का आदान प्रदान होगा। तो लीव्स को जब स्टोमेटा खुलेगा तो उसका रेगुलेशन कौन क्या कौन कर रहा है आपका, देखिए पोटेशियम। तो यहाँ पे पी की रिक्वायर सॉरी पोटेशियम यानी के। ठीक है, तो यहाँ पे के की रिक्वायरमेंट है। और बोरॉन देखिए, बोरॉन क्या है, डिजीज को फाइट करने में मदद करता है। बोरॉन किस में मदद करता है, डिजीज को फाइट करने में मदद क्या करता है, बोरॉन। तो इन सबों को आपको रट लेना है फ्रेंड, ये सब आप रट लीजिए, और रट लेंगे तो आपको और बेटर अनुभव होगा और जल्दी से आपका चीज़ें भी नोट डाउन हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, ये सब किसके लिए है, डायरेक्ट आपका RRB NTPC और इन सब चीज़ के लिए है। अब हम लोग आ देते हैं हाइड्रोजन की कुछ बातें कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एसेंशियल लाइफ गिविंग कंपाउंड है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मस्टर्ड गैस एक केमिकल वेपन है। मस्टर्ड गैस क्या है, एक केमिकल वेपन है। देखिए हमने पहले ही बताया, भोपाल गैस जो लीकेज हुआ था उसमें मुख्य गैस क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत बार आ चुका है, बार बार आता रहता है, तो इसलिए इसको रट लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। पैडी फील्ड में क्या प्रोड्यूस होता है, मिथेन गैस। पैडी फील्ड में क्या प्रोड्यूस होगा, मिथेन गैस। पैडी किसी धान की फील्ड होती है, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेन गैस आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्रूट्स राइपनिंग किससे रिलेटेड है, इथाफोन या कैल्शियम कार्बाइड। फ्रूट्स राइपनिंग कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, किससे रिलेटेड है, इथाफोन या कैल्शियम कार्बाइड। एसिटाइलिन वेल्डिंग एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन। एसिटाइलिन किसके लिए रिलेटेड है, वेल्डिंग एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, C60 इज फुलेरीन, इसको बोलते हैं C60, इसको क्या बोलते हैं, फुलेरीन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या, ड्राई आइस के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि क्या क्या किस किस नाम से फेमस है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए, बार बार ये एग्जाम्स आता रहता है। कैरोटीन किससे रिलेटेड है, स्किन एंड हेयर प्रोटीन। क्या होता है कैरोटीन, आप देखे होंगे स्किन, और उसके लिए जो भी आप दवा यूज़ करते हैं तो उसमें कैरोटीन भी रहता है, कैरोटीन एक कंपाउंड रहता है। टेफ्लॉन कुकिंग यूटेंसिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में बस इतनी ही काम की चीज़ें हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम्स में आई रहती हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में देख रख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार मैं बुक कर दे रहा हूँ, एसेंशियल लाइफ गिविंग कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मस्टर्ड गैस इज़ ए केमिकल वेपन, मस्टर्ड गैस इज़ ए केमिकल वेपन। 1 मिनट फ्रेंड, इसको मैं वापस, मस्टर्ड गैस इज़ ए केमिकल वेपन, मस्टर्ड गैस केमिकल वेपन। भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड से रिलेटेड है। पैडी फील्ड में मिथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पैडी पैडी फील्ड में मिथेन गैस। ठीक है, फ्रूट्स राइपनिंग से रिलेटेड है, कार्बाइड इथेफॉन और कैल्शियम कार्बाइड से रिलेटेड है। एसिटाइलिन वेल्डिंग एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन। C60 इज फुलेरीन, एसिटाइल C60 इज फुलेरीन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई एस। कैरोटीन इज रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम। टेफ्लॉन इज कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ एक डिफरेंट टॉपिक ले आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा हर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप RRB NTPC दें या आप लोअर PCS दे रहे हों या SSC के प्रिपरेशन में कर रहा हूँ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।